लाहौर पुलिस की कार्रवाइयों के हवाले से तो लाहौर पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर शहर में मजमुई तौर पर 72 अफराद को हिरासत में लिया। हवाई फायरिंग करने वाले 40 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया और साथ ही साथ वन व्हीलिंग के खिलाफ वर्जी करने वाले 2 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया है। इस बारे में जानते हैं अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, न्यू ईयर नाइट पर शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के जो दावे थे पुलिस के, उसके साथ साथ पुलिस ने जो है वो कार्रवाइयां भी अमल में लाई हैं। समाज दुश्मन सरगर्मियों पर मजमू तौर पर 72 अपराध को लाहौर पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है और तर्जमान लाहौर पुलिस का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ मुतलका थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। हवाई फायरिंग करने वाले 40 मुलजमान जबकि वन व्हीलिंग की खिलाफ करने वालों के खिलाफ जो है वो 9 और इसके साथ साथ आतिशबाजी में मुलव्वस 23 और शहर भर में नाकाबंदी के दौरान 3816 मोटरसाइकिलों को चेक किया गया। और साथ साथ लाहौर पुलिस का ये भी कहना है कि ट्वाइस नाम खत्म होने पर 344 मोटरसाइकिलों को जो है वो बंद किया गया और किसी किस्म का जो है वो नाम कुछ वाकया पेश नहीं आया। इसके साथ साथ ये जो पेट्रोल लाहौर और मोहम्मद सरकार से जीत नहीं लिए नाइट पर सिक्योरिटी के बेटे की इंतजाम करने का जो दावा किया उसमें लाहौर पुलिस के अफसरान और एहलकारों को शाबाश दी गई। ठीक है अरसलान हैदर, बहुत शुक्रिया आपका।